मैं अनामिका प्रिया इस मंच से अपनी कुछ कविताएं साझा कर रही हूं। प्रेम कविताएं हैं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है ओ मेरे तुम। ओ मेरे तुम, तुम्हारे आने पर कितनी खिली होती है शाम। धूप का कोई टुकड़ा उतरता है अंदर, धूप का कोई टुकड़ा उतरता है अंदर। सुनहला चेहरा दमकता है, हवाओं में घुलता है मधुमास। ओ मेरे तुम, तुम्हारे आने पर कितनी खिली होती है शाम। धूप का कोई टुकड़ा उतरता है अंदर, सुनहला चेहरा दमकता है, हवाओं में घुलता है मधुमास। मेरी मामूली सी साड़ी जैसे टहकती है, महकती है, लचकती है और कभी सिमटती भी है। बाल बिखरते उलझते हैं, अशनाएं खिलती खुलती हैं। जीवन अपने राग में मिलन की एक नई बंदिश गुनगुनाती है। तुम्हारे आने पर मेरी मामूली सी साड़ी जैसे टहकती है, महकती है, लचकती और सिमटती भी है। बाल बिखरते उलझते हैं, अशनाएं खिलती खुलती हैं। जीवन अपने राग में मिलन की एक नई बंदिश गुनगुनाती है। खुशगवार लम्हे भले छोटे हों, पर जीवन के हवन में होते हैं समिधा। आरती की थाल के कपूर लोबान दीपक। खुशगवार लम्हे भले छोटे हों, पर जीवन के हवन में होते हैं समिधा। आरती की थाल के कपूर लोबान दीपक। प्रेमिल स्मृतियों का दीप उपलता रहे, नदी की फेनिल लहरों के बीच। प्रेमिल स्मृतियों का दीप उपलता रहे, नदी की फेनिल लहरों के बीच। यह चुनौती बार बार मंजूर है मीत, यह चुनौती बार बार मंजूर है मीत। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है प्रेम। प्रेम को शब्द में पिरोने का एक प्रयास है, समझने की एक कोशिश है। प्रेम आत्म को जीने और स्व को भूलने की सबसे सुंदर घटना, सबसे सुरुचिपूर्ण कोलाहल, जीवन राग की नई बंदिश। प्रेम आत्म को जीने और स्व को भूलने की सबसे सुंदर घटना, प्रेम सबसे सुरुचिपूर्ण कोलाहल, जीवन राग की नई बंदिश। प्रेम परिधि और बिंदु भी, प्रिय संवादों का अद्भुत खेल। मुखड़े और अंतरे के बीच तानों की आवाजाही। प्रेम सांसों के सरगम से देहराग की सुखद यात्रा। प्रेम सांसों के सरगम से देहराग की सुखद यात्रा। झरता समय और थमा प्रेमिल मन, विगत और आगत से परे बस क्षण की मझधार। प्रेम प्राथमिकता की साथी आबाद रहे, अनुशंसाएं की दरख्त से फूल झरते रहें। प्रार्थनाएं की ठहरा रहे समय, आशंसाएं की कल्पनाएं घटित हों। शुभताएं की सजी रहे दीपों की अवली। प्रेम प्राथमिकता की साथी आबाद रहे, अनुशंसाएं की दरख्त से फूल झरते रहें। प्रार्थनाएं की ठहरा रहे समय, आशंसाएं की कल्पनाएं घटित हों। शुभताएं की सजी रहे दीपों की अवली। प्रिय रोशनदान हो तुम, ईंधन और आग हो, अदम्य सी ऊर्जा हो तुम्हारा साहचर्य, धूप हवा और पानी। तुम्हारा साहचर्य धूप।
हवा और पानी। मेरी अंतिम कविता का शीर्षक है उम्मीद। पहले की दोनों कविताओं से एक भिन्न स्वाद है इस कविता का। जीवन के एक भिन्न अनुभव पर रची गई है। उम्मीद, तुमने देखने की ख्वाहिश जताई, तुमने छूने की बेचैनी दिखाई, तुमने चूमने की वजह बताई, तुमने परत दर परत खुलने की बात कही। उम्मीद, तुमने देखने की ख्वाहिश जताई, तुमने छूने की वजह बताई, तुमने चूमने की बेचैनी दिखाई, तुमने परत दर परत खुलने की बात कही। मेरी दुनिया में प्रेम की ये सीढ़ियाँ ज़रूरी नहीं थीं। मेरी दुनिया में प्रेम की ये सीढ़ियाँ ज़रूरी नहीं थीं, पर तुम थे ज़रूरी मीत, तुम जिधर ले गए मैं चलती गई। तुम जिधर ले गए मैं चलती गई, यह मंजरित ख्वाहिशों का असमय बसंत था। यह मंजरित ख्वाहिशों का असमय बसंत था, जिसे मरने से पहले जी लेना बेहद ज़रूरी था। सौंप देना खुद को मुहावरा या पोटली भर नहीं होता, सौंप देना खुद को मुहावरा या पोटली भर नहीं होता, बल्कि किसी सफ़र के हिस्से का सबसे खूबसूरत पूर्णांक बन सकता था। पर मीत, तुमने इस प्रेम से पीछे हटने की ठोस वजहें बताई थी। भावनाओं में न बहे तो ठीक, यही समझाया था। सबके मान सम्मान का ख्याल ज़रूरी बताते हुए तुमने नज़र किया था जो माफ़ी नामा। लगातार बरसती आँखों से बड़ा मुश्किल था उस अधूरी कविता के अंतिम छंद को पढ़ पाना। परमीत, तुमने इस प्रेम से पीछे हटने की ठोस वजहें बताई थीं। भावनाओं में न बहे तो ठीक, यही समझाया था। सबके मान सम्मान का ख्याल ज़रूरी बताते हुए तुमने नज़र किया था जो माफ़ी नामा। लगातार बरसती आँखों से बड़ा मुश्किल था उस अधूरी कविता के अंतिम छंद को पढ़ पाना। ओ मेरे शब्दों के बाजीगर, ना मालूम सी है मेरी हस्ती। ओ मेरे शब्दों के बाजीगर, ना मालूम सी है मेरी हस्ती। छले जाने का स्वाद उस काली रात सा है, जिसके बाद सवेरा नहीं होता। छले जाने का स्वाद उस काली रात सा है, जिसके बाद सवेरा नहीं होता। इस मंच के लिए शुक्रिया। सुनने वाले सभी आत्मीयजनों को हृदय से धन्यवाद।